नमस्कार मित्रों, मैं पंडित संजीत झा आपका अपने YouTube चैनल माई दशा में स्वागत करता हूँ। प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट आपको प्राप्त हो सके। और आप हमारी वीडियो को देखने के बाद प्लीज कमेंट जरूर करें, जिससे कि मुझे इस वीडियो के बारे में पता लग सके कि ये वीडियो आपको कैसे लगे। आइए मित्र, बात करते हैं जो साल बीत गया, ये सबके लिए, कईयों के लिए बहुत अच्छा रहा, कईयों के लिए कष्टकारी रहा। तो जीवन में बहुत उतार चढ़ाव जो है आते रहे, तो इन सब उतार चढ़ावों से बचने के लिए 2018 की शुरुआत किस प्रकार से की जाए, इसके बारे में बात करते हैं। तो मित्रों, मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसको यदि आप 31 दिसंबर से पहले, यानी कि नवीन वर्ष आरंभ होने से पहले करें, तो आने वाला जो साल है वह सुख, शांति और समृद्धियों से भरा हुआ होगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहेंगी। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे कि आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो। तो मित्रों, मंगलकारी से याद आया मुझे मंगल मूर्ति मारुति नंदन का। तो जो मंगल मूर्ति मारुति नंदन हनुमान जी का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, बजरंग बली उनके समस्त कष्टों का हरण कर लेते हैं, क्योंकि कलयुग में एक केवल मात्र बजरंग बली ही साक्षात्कार देव जो है, जो है यहाँ पर पृथ्वी लोक पे विराजमान है। और उनका यदि हम लोग भजन कीर्तन सुमिरन करें, उनके लिए कृत्यों को करें, तो उनका आशीर्वाद जो हमें प्राप्त होगा उससे हमारे जीवन के अनेक विघ्नों का नाश जो है हो जाएगा। तो छोटे छोटे उपाय हैं जो करने बड़े सरल हैं, बस एक आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, मन बनाना पड़ेगा और आप कर लें तो आने वाला वर्ष जो है आपके लिए बहुत ही मंगलकारी होगा। तो 31 दिसंबर से पूर्व ये तीन उपाय यदि आप करें तो आने वाला वर्ष जो है आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो मित्रों, प्रथम उपाय के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो जो बहुत ही धन की तंगी से जूझ रहे हैं, धन हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है, तो इसीलिए सर्वप्रथम जो है धन की तंगी को दूर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। तो जो धन की परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन करने योग्य कृत्य जो है वो इस प्रकार है कि वह मंगलवार और शनिवार के दिन पीपल के 11 पत्तों को तोड़ दें। और पत्ते जब तोड़ने हैं तो अब आप स्नान करके शुद्ध होकर के पत्ते तोड़े और उसको अच्छी तरह गंगा जल से धो करके बजरंग बली को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है उस सिंदूर में तेल मिला करके, मिठा तेल तिलों का वह मिला करके या घी मिला करके उसका जो है आप गाढ़ा पेस्ट बना लें और उसके ऊपर सभी पत्तों के ऊपर, सिंगल सिंगल पत्तों के ऊपर जो है आप जो है कम से कम 11 बार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लिखें और उन पत्तों की माला बनाएं और पत्तों की माला को जो है बजरंग बली को अर्पित करें, कुछ मीठा प्रसाद भोग लगवाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जिस प्रकार आप श्री राम के कष्ट दूर करते थे, आप मेरे भी कष्टों को दूर करें और उनसे अपने सभी प्रकार के कष्टों को निवारने के लिए प्रार्थना करें। तो आपके आने वाले जीवन में जितने भी कष्ट हैं, धन आदि जितने भी परेशानियां हैं, उन सब परेशानियों का नाश होगा और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अब दूसरा उपाय, आप मित्रों फिर वही मंगलवार और शनिवार की बात है, यदि आप बहुत ही ज्यादा दुखों से व्याप्त हैं और आपको जो है अनेक प्रकार के कष्ट आदि भोगने को मिल रहे हैं और जीवन से सुख जो है दूर हो चुके हैं, तो आपने क्या करना है, मंगलवार शनिवार को एक दो दीपक जला ले हैं। आपने एक तेल का दीपक जलाना है सरसों के और एक देसी घी का दीपक जलाना है संध्या के समय में, और वहां पर बैठ करके कम से कम 5 बार जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें बजरंग बली की मूर्ति के आगे और कुछ प्रसाद निवेद इत्यादि भोग लगाए। अब तीसरा उपाय है मित्रों, तीसरा उपाय बड़ा ही सरल है। आप जो है पूरा मन में श्रद्धा और विश्वास धारण करते हुए बजरंग बली का सुमरण करते हुए, बजरंग बली का ध्यान करते हुए आप शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखें और उनका व्रत नियम धारण करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप जो मेरे इस शरीर के जितने भी रोग हैं उन सब का नाश करें और रोगों के शमन के लिए बजरंग बली को आप जो है स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए ये उपाय है, आप जो है बजरंग बली को नारियल चढ़ाए पानी वाला, और नारियल चढ़ाते हुए बजरंग बली से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जिस प्रकार
आप समस्त संसार के कष्टों का हरण करते हैं, उस प्रकार मेरे इस बीमारियों का भी हरण करें। ये आप कुछ उपाय करें तो आपके साथ मन की तंगी आएगी, आपके जीवन में सुख शांति बने रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी सदा बना रहेगा। तो प्लीज आप इन उपायों को कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए जिससे कि आगे ये और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट के जरिए अपनी राय जो है दर्ज कराएं जिससे कि मुझे पता लगे कि ये जानकारी आपके लिए कैसी थी। ओके फ्रेंड्स, जय माता दी। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा हो और यदि कोई कमी है इस वीडियो में तो वो भी आप हमें बताएं, उसको भी दूर किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जय माता दी।